हेलो फ्रेंड्स, द गन्नू किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छेदार आलू टिक्की, जिसके लिए हमने यहाँ पे लिए 500 ग्राम आलू जो हमने अच्छे से धो के छील लिए हैं। बॉईल नहीं करने, सिर्फ धो के छीले हमने। अब हम अपने इस वाले हिस्से से आलू को घिस लेंगे, इससे हमारी टिक्कियां एकदम लच्छेदार बनेंगी। हम अपने सारे आलू एक एक करके इस तरीके से घिस लेंगे। अब हमारे आलू घिस गए हैं। अब हमने यहाँ पे लिया एक बाउल में पानी, और उसमें हम आलू ऐड करेंगे और इसे गैस पे रखेंगे और इसे बस एक उबाल के लिए पकाना बस। और इसमें डालेंगे एक चम्मच, मैं ऐड करा इसमें नमक। अब सिर्फ हम इसमें एक उबाल देंगे, हमें बॉईल नहीं करना, गलाने नहीं है आलू। अब आप देख सकते हैं हमारे आलू हो गए, इनको पकाना नहीं है, बस हल्का सा उबाला देना है एक, बस फिर गैस बंद करना। अब इसको हम छान लेंगे। अब आलू हमने ऐसे कपड़े पे फैला लिए, फैला लेंगे इसको इस तरीके से और इसको ठंडा करेंगे। और अब इसका एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो कपड़े पे भी लग जाएगा। और ठंडा करने के बाद इसको हम थोड़ा सा निचोड़ देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए इस तरीके से। अब इसको 5-7 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। अब हमने अपने आलू का पानी निकाल लिया, देख सकते हैं बिल्कुल ये सूख गए हैं एकदम अच्छे से। अब हमने इसके मसाले लिए, यहाँ पे हमने लिए 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे नमक लिया, नमक हमने इसमें भी डाला था आलू में भी, 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे गरम मसाला लिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच हमने मैगी मसाला लिया, 1/2 चम्मच हमने लिया धनिया पाउडर। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, इससे हमारी टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। आप अरारोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया। अब ये नमक इसमें जा रहा है, गरम मसाला इसमें डाली हमने कसूरी मेथी, अब डाला हमने धनिया पाउडर। ये हमारा मैगी मसाला, अब इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मिलाना ताकि हमारे लच्छे ना टूटे। इसको हल्के हल्के मिलाना है अच्छे से। अभी हमने अच्छे से मिला लिए। अब यहाँ पे हमने तवा लिया, हमने इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम अपनी टिक्की तवे पे सेकेंगे। अब तवा हम गर्म कर लेते हैं और इसमें डालेंगे हम तेल। यहाँ पे हम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एक टिक्की इस तरीके से बनानी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से बनानी है। अब आप देख सकते हैं हमारा तेल भी गर्म है, गैस हमें लो रखनी है। अब हम एक एक करके इसमें छोड़ेंगे। अब साइज आप जो मर्जी दे दो टिक्की को, हमने यहाँ पे छोटे साइज की बनाई है। देख सकते हैं ये लाइट गोल्डन हो गई है इस तरीके से। इसमें एक एक करके हमें सभी पलटनी है। आप देख सकते हैं ये छल्ले भी कितने अच्छे से दिख रहे हैं, एकदम परफेक्ट। गैस को आप मीडियम रखिएगा। हमारी तीनों टिक्कियां रेडी है। अब इन्हें हम एक एक करके, और आप देख सकते हैं इनके छल्ले भी कितने अच्छे से दिख रहे हैं। बाकी भी हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब देखो मैं आपको दिखाऊंगी हमारी टिक्की कितने अच्छे से सिक गई है, और देखो ये कितने क्रिस्पी है इस तरीके से। अब इसको हम गार्निश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं दही, बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा आपको। अब लेंगे यहाँ पे हम छोले, ये मैंने छोले उबाल लिए। अब ले रहे हैं हम यहाँ पे सौंफ,
अब ले रहे हैं यहाँ पे हम नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है मैगी मसाला। ये मेरा चाट मसाला है। अब मैं गार्निशिंग के लिए लूंगी यहाँ पे हरा धनिया और मैंने ले ली अपनी प्याज। और अब मेरी टिक्की है बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं मेरी टिक्की बिल्कुल रेडी है। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। Take care.